परासिया और चांदामेटा नगर के बीच स्थित मां खेड़ापति मंदिर के आधिपत्य को लेकर दोनों समितियों में विवाद होने लगा है। वहीं मां खेड़ापति सेवा समिति ने पुरानी समिति पर आरोप लगाए हैं और मंदिर का दावा पेश किया है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण छिंदवाड़ा जिले के परासिया और चांदामेटा नगर के मध्य स्थित मां खेड़ापति मंदिर के आधिपत्य को लेकर पुरानी समिति के ऊपर मां खेड़ापति सेवा समिति ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर निर्माण वर्ष 2003 में पूर्ण हो गया था, लेकिन संचालन समिति द्वारा अभी तक कोई पंजीयन नहीं करवाया गया है। वहीं मां खेड़ापति सेवा समिति ने जानकारी दी कि हमारी समिति द्वारा पंजीयन करवाया जा चुका है, अब हमारी समिति मंदिर संचालन के लिए दावा पेश करेगी। उस मंदिर में 2003 से कोई समिति रजिस्टर्ड नहीं है और जो भूमि है जिसका विवाद हुआ है उस संबंध को भी उस विवाद को भी समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमने समिति की रजिस्ट्री कराई। समिति के रजिस्ट्रेशन फर्म एंड रजिस्ट्रार कार्यालय जबलपुर में कराने के पश्चात हम लोगों ने उस समिति के नाम पे 2.5 एकड़ श्रीमती निर्मला देवी के द्वारा दान दी गई जमीन का हमने रजिस्टर्ड दान पत्र करा करके उसकी रजिस्ट्री कराई और सबको लेकर के माँ भवानी के कार्य को आप करें ऐसा सभी ने भी हमको जनमानस ने भी निर्देश दिया है, तो हमने इस कार्य को संचालन के लिए आगे कदम बढ़ाया। मैं यह मौका मिला कि मेरी माता जी और हमारे परिवार का नाम आज जनमानस के बीच में गया। मैं मेरी माता जी के द्वारा दी गई दान में भूमि के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि जो आज इतना बड़ा आशीर्वाद हमको और हमारे परिवार को आजीवन मां खेड़ापति मंदिर समिति से मिलता रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।